नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला कि भैया क्यू एन ए हम करते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसका आंसर मैं वीडियो के माध्यम से आपको बना के दूंगा। तो लगभग 35 से 36 कमेंट्स निकल के आ गए अभी तक और अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं जितने भी कमेंट्स आए हैं उनका एक वीडियो में आपको बना के दे देता हूँ। इसमें ज़्यादातर ये आया था कि भाई अभी से तैयारी करें तो क्या सिलेक्शन हो सकता है, कुछ लोग मुंबई जो उनका कट ऑफ जानना चाहते हैं, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि भैया कोलकाता का क्या होगा, हुबली जोन डेंजर है क्या, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले भैया अगर जो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर एग्जाम देना है एनटीपीसी सीबीडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। साथ में आपके कुछ अगर जो कमेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, और अगर जो आप कहोगे कि हर वीक सर ऐसे ही आप क्यू एन ए लेकर आया करिए तो वो भी मैं लाऊंगा। और साथ में हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करें। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन निकल के आया, यहाँ पे हर्टलेस नाम के एक लड़के हैं, पता नहीं इनका नाम भी नहीं पता, आप लोग ऐसे ऐसे नाम क्यों रख लेते हो। इन्होंने बोला जबलपुर जोन से फॉर्म भरे हैं, क्या डेंजर जोन है जबलपुर? तो जबलपुर की बात करें, इस बार जबलपुर जोन आया है, लेकिन अगर जो हम 2018 में जाएंगे तो जो 2018 में इसका नाम था आर आर बी भोपाल। तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा, अगर जब 2018 में जाते हो तो 2018 में भोपाल की बात करें तो यहाँ पे कितने फॉर्म भरे थे, तो यहाँ पे 2018 में 11 लाख फॉर्म भरे गए थे। कितने? 11 लाख फॉर्म भरे गए थे। यहाँ पर बात करें 3522 टोटल वैकेंसी थी, 3522 टोटल वैकेंसी पे 11 लाख फॉर्म भरे गए। यहाँ पर सीट कंपटीशन की बात करें तो ये निकल के आता 312। अब अगर जो 2018 का एग्जाम होता है, रिजल्ट जब आता है तो आंकड़े आपको चौंका देते हैं कि जनरल का जो अनरिजर्व का कट ऑफ था वो निकल के आया 75 और ओबीसी का कट ऑफ बाकी 71। बाकी आप लोग देख लो, एससी एसटी इससे नीचे थे। यानी कि 2018 में आरआरबी भोपाल, ये जो जबलपुर था, ये 11 लाख फॉर्म, 3522 वैकेंसी। मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बार कोई भी जोन टफ जोन नहीं है। तो जबलपुर की बात करें, यहाँ पे कौन एग्जाम कराएगा? आपका आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आपका एग्जाम कराएगा इस बार, ठीक। तो इस बार अगर जो हम बात करें जबलपुर का क्या हाल है, इस बार वैकेंसी हो गई है 4019, यानी कि वैकेंसी की बात करें कंपेयर करोगे लगभग 500 वैकेंसी ज्यादा है। फॉर्म कितने भरे गए भैया? फॉर्म भरे गए सिर्फ 5,61,000 फॉर्म। अगली बार से कंपेयर करोगे तो 11 लाख फॉर्म, इस बार 5,61,000, यानी कि वैकेंसी जहां पे 500 बढ़ी है वहीं पे फॉर्म की संख्या आधी हो गई है। पर सीट कंपटीशन की बात करें 132। अब बताओ क्या ये डेंजर जोन में आता है? अगर जो 2018 से कंपेरिजन करते हो तो कहूंगा मैं नहीं, ये डेंजर जोन में नहीं आता है। आप एक टारगेट बना के चलो, कोई भी जोन हो, कि मुझे 70 क्वेश्चन सही करने हैं, 100% मेरी एक्यूरेसी होनी चाहिए और मैं बाकी 30 क्वेश्चन छोड़ के खुशी से चलाऊंगा, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं है, 70+ क्वेश्चन सही करना है, ठीक। तो ये मान के चलो जबलपुर जोन की बात करें, डेंजर जोन नहीं है, 132 पर सीट कंपटीशन, हाँ थोड़ा सा टफ है लेकिन आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा, कोई भी जोन डेंजर नहीं रहेगा, ठीक। आफरीन फराद बोलती है कैसे क्या पढ़ूं, कैसे क्या पढ़ें, तैयारी कैसे करूं, पवन सिंह और दीपांकर मंडल कैसे क्या पढ़ें? भाई 3 साल से हो गए फॉर्म भरे हुए, अभी तक आपके ये समझ में नहीं आया कि कैसे पढ़ें, तो आप क्या पढ़ रहे हो भाई? बाकी स्टूडेंट समझदार है भाई, आप क्या कर रहे थे? अभी भी एक कुछ कमेंट, ये मैं बताऊं कैसे क्या पढ़ूं, कैसे क्या पढ़े, तैयारी कैसे शुरू करें, इनको शुरू करना है, ठीक है। एक और कमेंट्स का मैं अभी रिप्लाई देना चाहूंगा। तो इसी के साथ रविंदर मैं तो बोलते हैं क्या अभी से शुरू करें तैयारी, क्या अभी से शुरू करें तैयारी तो हो जाएगा। सौरभ दुबे बोलते हैं एग्जाम जुलाई में होगा सर, अभी से अगर पढ़े तो सेक्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन तब भी आया था जब एग्जाम डेट फरवरी में आया था, ये क्वेश्चन तब भी आया था जब एग्जाम डेट 2021 में आया था, ये क्वेश्चन बार बार आता रहेगा और आप कभी भी तैयारी शुरू नहीं कर पाओगे। आप तैयारी तब शुरू करोगे जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, तब आप कहोगे सर एक हफ्ते है एग्जाम, अब बताओ कैसे पढ़े एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। 3 साल से क्या कर रहे हो भाई? आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उन बच्चों का क्या होगा जो 3 ईयर से लगे पड़े हैं, जो 3 ईयर से पसीना बहा रहे हैं? आपका सिलेक्शन क्यों होगा?
उनका होगा ना। तो भाई अभी भी मैं फिर से बोलना चाहूंगा भी, देखो 3-4 महीने है ना, 3-4 महीने एकदम बहुत सुटेबल टाइम होता है किसी भी एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी करने में। ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम पहली बार टच कर रहे हो, पहले तो थोड़ा बहुत पढ़े होगे, तो एकदम परफेक्ट टाइम है, अच्छा टाइम है। 3-4 महीने में बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो सकती है, बस होपलेस मत होना, अच्छे से तैयारी करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। और अगर जो मैं यहाँ पे आता हूँ, कैसे पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, मैं बार बार हर हफ्ते एक दो वीडियो बनाता हूँ भाई, रीजनिंग को टारगेट करो, 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में कम से कम, जब तक सही नहीं होने लगे तब तक रीजनिंग लगाते रहो, ठीक है। मैथ में अगर जो आप 18 भी पहुंच जाते हो बहुत बेहतर है, ठीक है। साइंस के लिए अभी हम बात करेंगे इसी वीडियो में, कुछ क्वेश्चन हैं कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, हैं चलो आगे चलें। मैथ वीक है मेरी, मैं कैसे पढ़ूं भाई, मैथ वीक है अच्छी बात है, मैथ वीक है। मैथ का पेपर जो बनेगा ना बहुत सिंपल बनेगा, 25 क्वेश्चन आने, ध्यान रखना 12 क्वेश्चन एकदम सिंपल आएंगे। अब सिंपल ना लगा पाओ तो आपकी जिम्मेदारी, 6 से 8 क्वेश्चन आपका मॉडरेट आ सकते हैं, मॉडरेट, और आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे हार्ड, ठीक, हार्ड, चलो हार्ड। तो मैं यही समझूंगा कि भाई हार्ड आपको नहीं आता अगर जो आपका मैथ वीक है, तो आप सिंपल और मॉडरेट पे फोकस कर सकते हो, 12 सिंपल तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक। और मॉडरेट भी अगर जो 5-6 भी कर लेते हो तो 12-6 18 होता है, 18 का जो आप मैथ में कर लेते हो और रीजनिंग में 25 कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। और आपको करना पड़ेगा मैथ के लिए, बाकी 500 क्वेश्चन का हमारा गेस्ट पेपर का पीडीएफ है, इसको लेके लगाइए, अगर जो अच्छे से लगा लेते हैं, अच्छे से समझ के, तो 14 से 15 क्वेश्चन आपके यहां से फंस सकते हैं। ये आपका लिंक जो है सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ये काम जरूर करो, ठीक। चलिए बाकी अगर जो मैथ स्टार्टिंग से लगाना चाहते हैं तो अभी भी टाइम है, चैप्टर वाइज एक बार पढ़ना शुरू कर दो, ठीक। चलिए बाबू सिंह बोल रहे हैं, सर जी मैंने मुंबई जोन से फॉर्म लगाया है, अब पछतावा हो रहा है क्योंकि राजस्थान से हूँ, अजमेर में ज्वाइनिंग लेना चाहता हूँ। ये तो वही बात हुई सर जी, मैंने सपना से शादी कर ली और मेरा दिल तो सुनीता के पास है, लेकिन मेरा मन लग रहा है प्रियंका के पास है, ये तो यही बात हुई ना। हाँ चलो ठीक है भाई बाबू सिंह, अच्छी बात है। लेकिन आपने क्या बोला सर जी, मैं मुंबई जोन से फॉर्म डाला है, आपने मुंबई जोन से फॉर्म डाला है और आप रहते हो राजस्थान में, आप रहते हो राजस्थान में और आपको जॉब करना है अजमेर जोन में, यानी कि राजस्थान में ही आपको जॉब करना है, ठीक है। अब पछतावा हो रहा है क्योंकि मैं राजस्थान से हूं और अजमेर में ज्वाइनिंग लेना चाहता हूं, तैयारी भी अच्छी है, सो प्लीज हेल्प मी। मैं इसमें क्या हेल्प कर सकता हूं, मैं तो यही कहूंगा बाबू आपकी सरकारी नौकरी लग रही है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर जो आपने मुंबई जोन से डाला है आपकी तैयारी थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो आपकी जॉब पक्की है, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बोल रहा है, कॉन्फिडेंस आपका झलक रहा है, तो इसलिए मैं कहूंगा मुंबई जोन से आपका आपको आसानी से जॉब मिलने वाला है। अजमेर से अगर जो डालते तो थोड़ा बहुत टॉप कॉम्पिटिशन रह सकता है, लेकिन मुंबई जोन से आपका सिलेक्शन पक्का है। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हो सर मुंबई जोन से सिलेक्शन पक्का है, बाबू ये आंकड़े बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। मुंबई अगर जो 2018 की बात करें तो यहां पे कितने फॉर्म भरे थे, फॉर्म पड़े थे 12.5 लाख, 12.5 लाख 2018 में मुंबई जोन से फॉर्म डाले गए थे। अब 12.5 लाख में वैकेंसी कितनी थी 2018 में, 4625 वैकेंसी थी। कंपटीशन की बात करें 225% कंपटीशन था यहां पे मुंबई जोन का 2018 में, जो कट ऑफ गया था 68 गया था, यानी कि कमी गया था। ओबीसी की बात करें, मुंबई हो बेंगलुरु हो साउथ में ज्यादातर लोग सरकारी जॉब पे फोकस नहीं करते, जो क्रेज राजस्थान यूपी बिहार में होता है, ठीक। अब वहीं पे ओबीसी की बात करें 63 यहां पे कट ऑफ गया था। हम 2018 की बात छोड़ के आते हैं, 2019 में फॉर्म आता है जहां पे मुंबई को दो जोनों की वैकेंसी आती है, एक तो वेस्टर्न रेलवे एक तो सेंट्रल रेलवे। अब दोनों जोनों में अलग अलग की बात करें, एक में 9 लाख फॉर्म भरे जाते हैं जहां पे वैकेंसी 10,730 होती है, यानी कि यहां पे 12.5 लाख सिर्फ एक जोन में फॉर्म आए थे, वैकेंसी भी आधी थी, वैकेंसी भी डबल हुआ। अब दो जोनों में बट गया मुंबई, 9 लाख फॉर्म पड़े और 10,730 वैकेंसी। वहीं पे अगर जो बात करें सेंट्रल रेलवे में, 9 लाख फॉर्म यहां पर भी लगभग पड़े हैं और वैकेंसी आपका 9,845 है। यहां पर सीट कंपटीशन की देखोगे 92 है, यहां पर सीट कंपटीशन 97 है। तो इसलिए बोला 225 पर सीट कंपटीशन से एकदम आधा, तीन गुना, मतलब बहुत कम हो गया। तो बाबू सिंह नाम ही आपका है, आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से आप मुंबई जोन में जॉब ले लो, करो मुंबई जोन में। बाद में अगर जो कुछ आता है डिपार्टमेंटल वैकेंसी या फिर ट्रांसफर का प्रोसेस होके तो आप राजस्थान में आ भी सकते हो, लेकिन आप, मैं तो यही कहूंगा आपको अगर जो नीड है सरकारी नौकरी की तो ये जॉब छोड़ना मत, अच्छी बात है, ठीक है। एक बार जॉब पा जाओगे आपकी फैमिली खुश हो जाएगी, ठीक। चलिए
आगे बात करें, हमारे यहाँ पे बोल रहे हैं देवराज डांगी, सर साइंस नहीं बन पा रहा, क्या करें जिससे साइंस बन जाए। अभी मैंने कल बताया था राजपूत स्टडी भी यही बात बोल रहे हैं, साइंस नहीं बन पा रहा है। साइंस में आपका टारगेट मैंने बोला 22 एकदम अच्छी तरीके से हो जाएगा, मेरे बताए रास्ते पे चलोगे तो, नहीं करोगे तो 22 में आप 20 तो करके चली आ जाओगे। ठीक, सबसे पहला बात मैंने बोला हमारा ये जो PDF है गेस्ट पेपर साइंस का 5000 क्वेश्चन का, चैप्टर वाइज है, वन लाइनर आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। साथ में आपको स्पेशल एक्स्ट्रा केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 500-500 बार बार क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो पहला स्टेप आपको ये PDF लेके रटना, पढ़ना शुरू कर देना। दूसरा, हमने रुक्मणी की बुक आई है, पूरी बुक मैंने फिजिक्स और बायोलॉजी कंप्लीट करा दी है। अभी वर्तमान में खान सर की 15,000 वस्तुनिष्ठ बुक आई है फिजिक्स और बायोलॉजी, 50-50% मैंने कंप्लीट करा दिया है, 60-60% मैंने कंप्लीट करा दिया है। जो बचा वो चल रही है उसको भी देखते रहो, बाकी लूसेंट आपके पास हो तो उससे पढ़ते रहो। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, साइंस आपका बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ये कहो कि आप एक दो दिन देखो छोड़ दो, आपको साइंस में क्वेश्चन नहीं बनना, ऐसे तो नहीं बनने वाला। आपको पता है, ईमानदारी से सोचो, देवराज डांगी राजपूत, क्या आपने पढ़ाई की है साइंस की अच्छे से? हाँ, चलो सोचो और बताओ। सर दिव्यांग हूं मैं, दरिद्रों से फोन डाला हूं, विकास कुमार। भाई जो भी लोग दिव्यांग है मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा। क्या रिक्वेस्ट करूंगा? कभी अपने आप को दिव्यांग मत बोलो, अपने आप को दिव्यांग मत बोलो। आप SC ST हो, आप कुछ भी हो, आप में प्रॉब्लम है, आपको रिजर्वेशन मिलता है, तो कभी आप ये मत बोलो SC ST हूँ सर कितने पे सिलेक्शन होगा, मैं दिव्यांग हूँ। भाई अगर जो आपने ये मन में सोच लिया कि मैं दिव्यांग हूँ, मेरा 60 पे सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा 50 पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप पढ़ोगे भी 50 के लिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप दिव्यांग हो ना, दिमाग तो आपका कम नहीं है, बुरा मत मानना, दिमाग तो आपका कम नहीं है ना, तो आप क्यों ना SC ST हो, आपको भी उतनी दिमाग मिला है, तो आप जनरल कैटेगरी के साथ फाइट करने की कोशिश करें। आप भी कोशिश करो कि आप 70 जाओगे। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। क्या बोला मैंने? नॉलेज एक ऐसी चीज है जो खत्म नहीं होती, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, भले वो किसी तरह ग्रहण की गई हो। ठीक है, चलो। और अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता, ये भी ध्यान रखना। बाबू दिव्यांग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जनरल के लिए फाइट करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा विकास कुमार। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। दीपक कुमार हुबली जोन से भरा है, कुछ बोलिए। मैं क्या बोलू, हुबली जोन से फॉर्म डरा है, हुबली जोन से भरा है। हुबली जोन की बात करें, इस बार की बात करें क्या आने वाला, 6 लाख फॉर्म भरे हैं हुबली जोन में, 7167 वैकेंसी है, पर सीट कंपटीशन 94 है। जिनका भी पर सीट कंपटीशन जिस भी जोन का 100 से कम है वो सही है भाई, तैयारी करो सिलेक्शन हो जाएगा। प्रीवियस इसमें 63 कट ऑफ गया था, इस बार संभावना है ये आपका 68 के आसपास इसका कट ऑफ जाएगा हुबली जोन का। ठीक, चलिए। सर टेक्स्ट बुक में 65-70 नंबर आ रहा है, रीजनिंग में 25 प्लस आ रहा है। सबसे पहली बात गौतम शर्मा, रीजनिंग में आप 25 प्लस कर रहे हो तो आपका गुड है, गुड नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब आपको ये करना है कि रीजनिंग में आप जब 25 प्लस कर ले रहे हो तो आप इसको मेंटेन करो, इसको घटने मत दो। अब आप थोड़ा सा देखो साइंस में कितना, आप साइंस में थोड़ा सा फोकस करो, साइंस में आप 20 तक जाने की कोशिश करो, साइंस में 20 तक जाने की कोशिश करो और मैथ में 18 प्लस जाने की कोशिश करो। ठीक है गौतम शर्मा, बाकी टेक्स्ट बुक लगाते रहो और ये स्कोर जिस दिन आपका 75 प्लस आने लगा वो आप मान लेना हो जाएगा, बहुत बहुत नजदीक हो गौतम, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो ऐसे। ठीक, चलो। टेस्ट बुक में कितना परसेंटाइल सेफ रहेगा? 75 मान के चलो, 75 प्लस जिस दिन अटेम्प्ट करने लगे एक्यूरेसी 100% रही वो सेफ रहेगा। मुंबई जोन से मेरा टेस्ट बुक में 75 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, 2019 से कंटिन्यू कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्या करूं, टेस्ट डेट रहा हूं ओनली, रिवीजन करूं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, शक्तिकांत रिवीजन, बस थोड़ा सा धैर्य मत खोना, जैसे आप 3 साल से धैर्य नहीं खोए वैसे ही धैर्य मत खोलना शक्तिकांत वाकरे। मैं समझ सकता हूं आप पे क्या बीत रही है, वही आपका आपके टीचर्स पे बीत रही, वही हाल मेरे पे भी बीत रहा है, 3 साल से लगे हुए रेलवे का एग्जाम नहीं हो पा रहा। ठीक, मैथमेटिक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, मैथमेटिक्स के लिए निशांत ओझा, मैंने आपको एक बच्चे का आंसर दिया था कि आप क्या कर सकते हो, देखो। ठीक, आप इसे देख लेना। और क्वेश्चन है CCA अप्रेंटिस के ऊपर, फुल डिटेल से वीडियो बनाइए। ठीक है भाई साहब, लाइट अप एशिया बुद्धा, जरूर वीडियो बनाएंगे इसके बारे में। कोलकाता ईस्टर्न जोन से फॉर्म डाला है, कितने फॉर्म पड़े हैं कोलकाता ईस्टर्न जोन से? कोलकाता की बात करें भाई, 2018 की अगर जो हम बात कर लें तो जहां पे 2367 वैकेंसी थी 14 लाख फॉर्म भरे थे और यहां पे पर सीट कंपटीशन 590 था, टफेस्ट जोन में माना जा रहा था।
और यहां पर की बात करें सबसे ज्यादा कट ऑफ क्या था, रिजर्व का 81 गया था, ओबीसी का 72 के आसपास गया था, एससी का 72 और एससी एसटी का आपका लगभग 56 के आसपास ये कट ऑफ गया था 2018 में। अब हम बात करें जैसे ही हम 2019 में आते हैं, 2019 में कोलकाता को दो जोनों का वैकेंसी आता है, एक तो साउथ ईस्टर्न रेलवे, एक तो आपका ईस्टर्न रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे में बात करें 4914 वैकेंसी के लिए यहाँ पे 500,000 फार्म भरे जाते हैं, जहाँ पर सीट कंपटीशन 100 के आसपास आ जाता है। वहीं पे ईस्टर्न रेलवे के लिए 10873 वैकेंसी के लिए 11,00,000 फॉर्म भरे जाते हैं, जहाँ पर सीट कंपटीशन 107 था। थोड़ा सा टफ है लेकिन उतना भी टफ नहीं है, लेकिन अगर जो आप 2018 से कंपेरिजन करते हो तो 5 गुना कम यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है, यानी कि मौका ही मौका है, कविंद्र लांबा लपक लो। ठीक, कौन से एग्जाम होगा, कब से एग्जाम होगा, मन नहीं लग रहा पढ़ने में, और हाँ सर 3 ईयर से रेगुलर रेलवे की तैयारी करते हैं, बोर हो चुके हैं, बाकी क्या करें, फोकस बना के रहें, मन नहीं लगता पढ़ने में, ये तो क्वेश्चन सभी का है, लेकिन बाबू अब कर ही क्या सकते हैं, आपको मन लगाना पड़ेगा, आखिरी समय है, एग्जाम डेट आ गया, मुझे नहीं लगता इससे आगे कहीं कुछ जाने वाला है, और जो भी 3-4 महीने बचे इसमें रिविजन करो, थोड़ा सा मेहनत करो, और इस बार आपकी सरकारी नौकरी पक्की है, किसी भी जोन से फॉर्म डाला कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आई होप मैं समझाने में सफल हुआ हूँगा, आपको थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा क्वेश्चंस का। आई होप जिन लोगों ने क्वेश्चंस नहीं दिया होगा उनके क्वेश्चंस के भी जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे, और चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।